लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना महामारी के कारण हॉस्पिटलों में रक्त और प्लाज्मा की भारी कमी है। इसे पूरा करने के लिए आज नवी मुंबई शिवसेना की ओर से सानपाड़ा के वड़ार भवन में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 500 से अधिक नागरिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इसका शुभारंभ शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख विठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर, विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले और सुरेश कुलकर्णी समेत तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। शिवसेना नेताओं ने यहां रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस तरह के रक्तदान शिविर से जहां रक्त की कमी पूरी होगी, वहीं लोगों की जान बचाने में भी मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच राज्य सरकार के सुरक्षा मिशन में हाथ बढ़ाते हुए आज नवी मुंबई शिवसेना ने सानपाड़ा के वड़ार भवन में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां तकरीबन 500 से अधिक नागरिकों ने रक्तदान किया। विजय नाहटा फाउंडेशन, नवी मुंबई शिवसेना और लोकमत के सौजन्य से आयोजित इस महाशिविर का शुभारंभ उपनेता विजय नाहटा के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख विठल मोरे, विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले, सुरेश कुलकर्णी समेत तमाम लोग भी मौजूद थे। पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के चेयरमैन और शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने कोरोना रोकने में जुटी राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए इस अवसर पर विश्वास जताया कि महारक्तदान शिविर से हॉस्पिटलों में रक्त और प्लाज्मा की कमी पूरा करने और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। यहां अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रक्तदान या एम्बुलेंस, ये शिवसेना का पहले से काम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने आह्वान किया था, तो इस शहर में हमने अभी तक 16 ऐसे कैंप लिए हैं। नवी मुंबई शिवसेना और लोकमत वृत्तपत्र समूह की तरफ से ये भव्य रक्तदान शिविर, महायज्ञ हम इसको बोलते हैं, आयोजन यहाँ पे किया है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि हमारा कैंप सबसे बड़ा हो और हम लोग अपेक्षा करते कि इस कैंप में कम से कम 600 लोग रक्तदान करें। गेले कित्येक वर्ष शिवसेना रक्तदान शिबिर भरवत असते, पण आताच्या कोविडच्या काळामध्ये माननीय आमचे मुख्यमंत्री पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जे आवाहन केलेलं होतं रक्तदान आणि रक्त जमा करण्यासाठी, रक्तदान करण्यासाठी, आणि त्याला एक प्रतिसाद म्हणून आम्ही आता या कोविडच्या काळामध्ये भरपूर ठिकाणी आमचे रक्तदान शिबिर शिवसेनेच्या माध्यमातून झाले। नवी मुंबईमध्ये या सानपाड्याच्या सभागृहामध्ये रक्तदान शिबिराचा जो रक्तदान यज्ञ या ठिकाणी जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, ते शिवसेना आणि लोकमत समूह यांच्या वतीनं आहे। आम्ही 1000 लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। लोकमतच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम लावले आहेत। आज खरोखरच आज गरज आहे महाराष्ट्राला रक्तदानाची, आणि अतिशय आज आदरणीय मुख्यमंत्रीच्या माध्यमातून आज सगळ्यांनी आज खूप आज सगळे एकत्र येऊन आज शिवसैनिकांनी रक्तदान शिबिर केले, आणि ते मी मनापासून सगळ्यांचा आभार मानतो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिवसैनिकों और रक्तदाताओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान महाशिविर को लेकर कई पदाधिकारियों और रक्तदाताओं ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी सुन लीजिए। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऐसा मौका कभी तो मिलता है, वो अच्छा काम के लिए मौका मिल रहा है। इसलिए शिवसेना की वजह से जो ये यहाँ तो जो ब्लड डोनेशन का कैंपिंग किया है, इसमें बहुत तरफ अच्छा लगता है कि किसी के काम हम आ सके। माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आम्हाला जसं अपील केलेलं आहे की रक्तदान केलं पाहिजे, त्या अनुषंगाने आज रक्तदानासाठी इथे मोठ्या संख्येने तुम्ही बघाल तर मुली सुद्धा उपस्थित आहेत। माननीय युवा सेना प्रमुख आदित्य साहेब ठाकरे यांचं उद्दिष्ट नेहमी असंच राहिलेलं आहे की ज्याप्रमाणे युवक पुढे येत आहेत त्यांच्या त्याचप्रमाणे युवती सुद्धा मोठ्या संख्येने आज पुढे येत आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।